बीजेपी वाले ने तो नहीं ऑर्गेनाइज कराया था, ये भी देख लेना, ये बहुत बड़ी फैक्ट है, इसके ऊपर कली गाली सुनी हमने। सम्राट भाई बताओ। भाई देखो, मेरा तो ये मानना है ना कि बीजेपी हो कांग्रेस हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारा रहना चाहिए, थक गया शांति हूँ भाई ये अमन। सब सुन के, 3 दिन से रहता दलाल भी यही बोल रहा है, रहने दो अरे दलाल को सुन वो देखा के। पुरानी क्लिप जो आ रही है एक मूवी की, ये हिंदू का खून वो मुसलमान का खून। हाँ सही बात है ना, बिल्कुल सब सब खून एक ही तो है यार, वो ऊपर आपने वाले मीम ने देखा, सब हमास एक ही तो और है उसमें इसराइल में भी मारना भाई। मुझे तुम बंद लोग का तो कराने नहीं भेज पता, दो मुझे मेरा मेरा फलाने पर्सन के। तो मिल गया है, मैं तो चला टीएल पे, अब वहीं मस्ती की जाए, क्योंकि वो तो आएगा नहीं स्पेस में। रुक जाओ एक बार वीर, भैया मैंने इंसानों की तरह तो बोल दिया, अब तो बस यही है कि पहुंचना पड़ेगा गाड़ी लेके, उन्हीं की फोन अरे की आ तो जाओ भाई शुभम शुभम भाई, क्या टीएल पे भाई आ बदमाशी जाओ कर यार। रहे हो, अरे क्या हो गया क्या हो गया। अरे बदमाश सम्राट आदमी भैया को एक लफड़ेबाज मिला है, मतलब जैसे फुकरा का कलका बदमाश। है वो, है ना केकेएल, वैसे हाँ एलिविश के हैं ये शुभम भाई। शुभम शुभम भाई ने बिग बॉस ओटीटी में जितना पनीर खाया है, माँ कसम किसी ने नहीं खाया एलविश आर्मी से। हाँ और अभी मैंने क्या बताओ भाई, लजन, तुमसे तुमसे लड़ाई करते कर। करते मुझसे लड़ाई करने भाई, मुझे क्यों रिप्लाई कर, कितना चूतिया बंदा यार, अरे भाई मुझे रिप्लाई कर स्मार्ट यार रहा। तुम, मतलब बात ये है, एक बात बताऊं, सारी गलती है तुम्हारी भाई। हम मुझे तो खुद नहीं पता, मतलब जब सॉरी भाई बताओ भाई, चुटकला ले लो भाई। स्पेस में बैठे लोगों से निवेदन है, सम्राट भाई और लक्ष्य चौधरी की वीडियो ना देखे, मनोज दे की देखे, वो आपको बताएंगे पैसा कैसे कमाते भाई देखो मेरी कल वीडियो आ रही है मनोज दे के ऊपर ही, ठीक है तो हैं। प्लीज ना मेरी स्क्रिप्ट अभी से रिवील मत करो। मैं तो एक तो मनोज से इतना परेशान हो गया हूँ, लक्ष्य इंस्टाग्राम खोलता हूँ तुरंत वो डराने लगता है एक तरीके से, तुम यूट्यूब की बाबर को नहीं जानते, इसको देखो इसने 1 करोड़ कमा लिया, तुम क्या कर रहे हो। अरे भाई मेरे को बस लगता है झारखंड में सबसे ज्यादा अगर धोनी के बाद किसी आदमी ने अचीव किया है वो मनोज दही है भाई। नहीं, झारखंड में अचीव भाई बहुतों ने इसके किया है, सबसे ज्यादा गिनाया अगर कोई नहीं है तो वो मनोज ने किया। एक और बंदा आया था बोले धोनी जी पसंद है, क्या पसंद है उनका पता पीछे अभी का। अभी मनोज की एक लेटेस्ट वीडियो दिखाता हूँ, मतलब बताता हूँ उसमें पता क्या था लक्ष्य भाई, पहले क्रिकेटर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती थी, आपको क्रिकेट ग्राउंड में जाना पड़ता था। अभी हाल ही में क्या हुआ है, एलविश ऑनलाइन से सचिन तेंदुलकर के साथ खेल रहा है, ये होता है यूट्यूब का पावर, आदमी डायरेक्ट ही क्रिकेटर बन गया। मैं बोला भाई मनोज भाई तुम लव हो यार हमारे बड़ा साइलेंट बेचारा है, क्या भाई वो सुन लिया जिसने सुनना था भाई। नहीं भाई वो अच्छा आदमी यार मनोज, मेरे को मतलब मैं बढ़िया कहाँ कह रहा आदमी है हूँ, वो, मैं कहाँ कह हंसने रहा हूँ वाले भाई, बुरा भाई। आदमी है। मुझे लगता सीधा है वो, मैं भी गया सीधा था खुश सुनो सुनो, मैं रहता भी गया था है ऐसा शुरू है शुरू में, ना। सम्राट भाई सुनो, मैं भी गया था शुरू शुरू में यूट्यूबर बनने, बड़ा सपना था मेरा। 3 दिन लगातार पता नहीं कैसा एल्गोरिथम है चूतिया सा वहां का, 3 दिन लगातार उन्होंने मुझे उसी आवाज चलेगी तुम्हारी, डाटा पैक खत्म हो इसलिए नहीं गया बन पाए भाई यूट्यूबर। हाँ ये नेट मैं रुक जाती अभी आ रही है हूँ, आवाज। तुम अपलोड कर देते हो कि नेट चला जाता होगा। अरे नहीं 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 केशु भाई मैं अभी आ रही है बताता हूँ, ये आवाज। सारे झूठे हैं केशु भाई, जब ऐसी इंटरनेट क्वालिटी रहती है ना तो यूट्यूब मनोज डे के वीडियो रिकमेंड तुम्हें करता है। पता है भाई एक मैंने टाइम तीन यूट्यूब के वीडियो एल्गोरिदम ऐसे तीन ऐसे वीडियो बंद देखी करती थी। थी, जब 4K 4K स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस ही हुआ था ना यूट्यूब पर, अगर कोई डाल देता था ना वीडियो में 4K में बनाकर और 4K लिख देता था उसके आगे, तो वो रेजोल्यूशन की वजह से भी एल्गोरिदम में ज्यादा चलते थे। हाँ अरे एक तुम उनको जानते हो, माई स्मार्ट सपोर्ट को, हाँ अरे मतलब जानते हो कि नहीं। भाई देखे हैं मैंने जानता तो, जानता जब मैं हाँ भाई, एडिसेंस अकाउंट बनाता हूँ नया तब देखता हूँ उनकी वीडियो। तो भाई एक दिन मैं मतलब जब मैं नया नया यूट्यूबर था ना तब मैं उनकी वीडियो बहुत देखा करता था, और जितने यूट्यूबर हैं वो सब जानते होंगे उन्हें, तो एक वीडियो उन्होंने बनाई कि हम बैठा हूँ ना, हम बैठा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वीडियोस बनाइए, आप ये कीजिए, आप 1 साल तक कंटिन्यू अपलोड कीजिए, 1 साल के अंदर अगर आपका वीडियो चल गया तो आप यूट्यूबर बन जाएंगे, और 1 साल बाद भी अगर आपका वीडियो नहीं चला तो कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो यूट्यूब कुछ नहीं कर। भाई ऐसा डीमोटिवेट किया उस आदमी ने, और मेरा आखिरी साल ही चल रहा था वो यूट्यूब का, मतलब बोले 1 साल मेहनत कर लो, 1 साल में बन गए तो बन गए, नहीं तो तुम्हारा करियर खत्म। और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू ऐसी वीडियोज बनाई हैं भाई, मैं था मैं बहुत पैसा कमाता, मतलब मनोज से करता मोटिवेट, माई स्मार्ट सपोर्ट सर करते हैं डीमोटिवेट, कि उनकी वीडियो देख लोगे तुम्हें डर लगने लगेगा भाई कि हाँ करियर खत्म ही है लगभग।
दो चार 8 दिन और, उसके बाद तो फिर कौन यूट्यूब कौन क्या हो गई कहानी खत्म। और एक टाइम अगर किसी को याद है, वो सागर को जानते हो तुम, वो जिससे लड़े थे तुम, इनकी बीफ चला करती थी भैया टेक्निकल गुरुजी के साथ। सागर की बहुत तगड़ी बीफ हुई थी, उसने कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी थी ना गुरुजी की। हाँ गुरुजी ऐसे कॉल किए थे, मुझे आज तक याद है, मैं कॉलेज में था वैसे। हेलो सागर, दिस इज गौरव चौधरी फ्रॉम टेक्निकल गुरुजी। और भाई वो रिकॉर्ड कर रहा है दूसरी साइड से कॉल। हाँ ये सारे भांग भोसड़े इन्हीं ने तो शुरू करे हैं, सागर ने, और इसने एक वो था उसका क्या नाम था वो यार, वो सूखा साखा सा, अरे वो जो मेरे से लड़ा था वो एक बार, टेक्निकल दोस्त है ना, टेक्निकल दो भाई, वो अब इतना ही चूतिया है भाई अब वो। अरे भाई वो पहले बिहार में, फोन तोड़ता उसके बारे में मुझे जानकारी है, पहले वो बिहार में ना माइक पे जो लड़कियां नहीं बुलाते रहे अब हमारे बीच आएंगे, तो पहले वो उसके अंदर आदत थी, वो जो अपने वीडियो में एंट्री लेता था ना, तो नाश्ते गाते, जैसे उसके बाप की बारात आ रही है, अरे नाश्ते केशु गाते भाई आता था पूरे वीडियो में। कला प्रदर्शनी में था वो। हाँ वही कह रहा हूँ, वो बिहार रंगमंच में भाई था मुझे पहले, पता है अचानक से उसको जेन्युइनली यूट्यूब बनाना सीख यूट्यूब में गया। सबसे ज्यादा बुरा किसी के लिए लगा तो गौरव जोन के लिए, भाई सच में बहुत एक्सपोज हुआ है यार, बहुत एक्सपोज हुआ है कसम से। उसका हर दोस्त यही हरकत करता था। अब तुम लोग मानोगे नहीं, एक टाइम पे लक्ष्य भाई फैन फेस्ट था, हम लोग गए तो एक कोई क्रिएटर था जिसने वो फ्लाइंग विश वाली रिकॉर्डिंग वायरल की थी इसकी। अरे एडी एडी नागर, हाँ एडी नागर, एडी नागर था क्या था, उसके एडी कुछ और था, एडी कुछ और करके था, एडी नागर तो सिंगर है, सिंगर रहेगा ऐसे कुछ था, एडी था भाई वो गुज्जर, एडी गुज्जर, एडी गुज, एंडी गुज्जर, एंडी एंडी गुज्जर भाई, उसके साथ लोग सेल्फियां ले रहे थे पता है लक्ष्य, सेल्फियां। मैं बोला बाप रे क्या करा इसने ऐसा। लेकिन उस टाइम भी होता भाई, पता है ये कंट्रोवर्सी आज से 3 साल 4 साल पहले हो जाती ना, लोग एल्विश का नाम लेने से लड़ते हैं, एल्विश को कुछ और नाम लेके बुलाते हैं ठीक है, और इसको कुछ मतलब ऐसा उस टाइम पर खौफ हुआ करता था कि बड़े क्रिएटर का नाम नहीं लेना, ये नहीं करना वो नहीं करना, अब तो फुल बेशर्मी हो गई। सम्राट तो भाई उसका गौरव जोन से बजर था वैसे। और भाई भाई तुम्हारा क्या चल रहा, किसके साथ हो तुम, एलिविश के या उसके मैक्सटन के? मैं तो एंजिलियंस के साथ हूँ सम्राट भाई। अरे भाई यार वो अपन तो बाद में कर ही लेंगे डार्क कॉमेडी, पहले बताओ तो सही। मैं तो सर इंसान के साथ हूँ भाई, किसके साथ हो? सच बोल रहा हूँ एंजिलियंस के साथ हूँ मैं तो भाई, वो फुकरा इंसान के साथ है। भाई फुकरा क्यों नहीं आया भाई, मुझे बताओ ना भाई, केकेएल भाई मतलब इसको सपोर्ट क्यों नहीं करा मैक्सटन को? मेरा ना बैलेंस खत्म हो गया था सम्राट भाई, तो मैं कॉल नहीं कर पाया था, फिर मैं आज डलाया बैलेंस, तो आज पूछूंगा बहुत करके। अरे भाई वो होता है ना बोलो, एवरी मास्टरपीस है इट्स चीप कॉपी, तो वो बेबी का ने सपोर्ट किया था बोटी बोटी, फिर वो अंजलि तक आया। श्री राम सम्राट भाई। और देखा भाई क्या बवाल मचा है। चलो तुम फिर डिसाइड कर लो तुम किसके साथ हो, रैंडम के, एल्विश के या मैक्सटन के? अरे अरे सम्राट भैया, हाँ लक्ष्य बोलो। मैं कुछ टाइम पहले वो किया था, मैं तो भाई एल्विश भाई के साथ ही हूँ, लेकिन तुमको आपको तो पता ही है नाइकी वाले जूते के वजह से स्पेस से रिमूव करते थे मेरे को। करते रहो, इस पे भी आते हैं, बोल दो लक्ष्य। अरे वो बेबी का क्या सीन चला था, बेबी का क्यों रोस्ट कर रहे थे सब? अरे बेबी का कल के लौंडे ने बनाएंगे भाई, उस पे 5-6 वीडियो से सी पूछो सामने तो है। नहीं भाई मैं मूवीज रिव्यू करता हूँ आजकल भाई, मूवी का कल का लौंडा भाई सुनो भाई, कल का लौंडा भाई सुनो, तुमने कल वो वीडियो बनाई थी ना एलिविस और मैक्सटन वाली, उसका कंक्लूजन बता दो ना, 8 मिनट में देख नहीं सकता अभी स्पेस में, तो तुम बताओ ना क्या हुआ था। अरे यही कंफ्यूज है भाई, कल का लौंडा ही कंफ्यूज है भाई, मैं कल नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय बन गया था। नहीं भाई मुझे बात करने दो ना भाई से, कैसे मतलब नियॉन मैन न्यूज़ बॉय कैसे बन गए थे भाई? भाई मैंने न्यूज़ दे दी बस, मतलब कंट्रोवर्सी की स्टोरी बता दी बस। तो आपने कुछ सही गलत नहीं बोला उसमें? बताया भाई कि मारपीट है थोड़ा सा ज्यादा हो गया ऐसा ऐसा करके, बस ऐसे ही बोला, मतलब थोड़ी कम होती मारपीट तो सही था भाई, हमको तो डर लगता ये, भाई ये सच में मारपीट हुई है भाई, तो भाई। प्लीज यार मुझे कल का लौंडा प्लीज 2 मिनट दे दीजिए प्लीज सर, यस सर भाई प्लीज। हाँ भाई बताओ। मैं तो वही बोल रहा भाई, हम तो बोले मारपीट वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, बस यही बोले हम तो, मतलब मारपीट कम होनी थी या मारपीट वाला मैटर ज्यादा हो गया? वही मारपीट वाला मैटर ज्यादा हो गया था बोला मैं। तो आपका क्या ओपिनियन अब इस कंट्रोवर्सी पे क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन मैटर ही कहां करता आपका, है हाँ, वैसे आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता सर, बिला भाई बोलो वही तो। अरे भाई इनका ओपिनियन मैटर नहीं करता है तो लंबी चौड़ी वीडियो क्यों बना देते?
भाई सेफ बिल्ला भाई, ये चारों जो बैठे ना ऊपर पे, सम्राट, वीर, कलकल, ओंडा, लक्ष्य, ये ना मेरे कलीग्स हैं, ये मेरे साथ मस्ती कर सकते हैं और मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। मैं मस्ती के मूड में जरूर भी नहीं हूँ भाई, मैं मस्ती के मूड में हूँ ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि फिर आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता तो वीडियो क्यों बना देते हो? मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, जनरल आप स्पेस में बोल रहे हो तो मैं पूछ रहा हूँ ना। मेरे से वीर भाई ने पर्सनली पूछा तो मैंने उनको, अरे पर्सनली यहाँ स्पेस में बैठा है, पर्सनली पूछना होता तो ये डीएम करके यार कॉल कर लेते भाई। म्यूट कर दे भाई, म्यूट कर दे भाई। यहाँ पे क्यों पूछते भाई? लड़ना नहीं है यार, मस्ती मजा। मैं लड़ नहीं रहा हूँ भाई, लड़ता होता तो मेरी नॉइस यहाँ तक होती क्या सम्राट भाई? वैसे भी शेफ हो भाई तुम, पता नहीं कौन सी बोटी काट के कौन से फ्रिज में रख दोगे। वो तो सम्राट भाई, दही सम्राट भाई। वैसे भी सम्राट भाई मेरे को किसी थर्ड ग्रेड क्रिटिक के साथ वो कर रहे थे कंपेयर, तो मैं सुना तो पुण्य आ जाओ सम्राट भाई, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे घर के भाई। वो थर्ड ग्रेड नहीं है भाई, वो तो मैं तो उसे चाह रहा हूँ वो स्पेस में आ जाए। मैं तो मतलब, अरे बिल्ला भाई तुम्हारे तो दोस्त होंगे ना ये शुभम भाई, शुभम थवरानी, इनको बुलाओ तो। सम्राट भाई ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा दुकान ढंग से नहीं चल रहा है, इसलिए आप पे शॉट्स लिया जा रहा है, समझो इस बात को भाई। देखो ऐसा रहता है, अब जैसे लक्ष्य चौधरी को तो पैसा चाहिए ट्विटर से, तो ये वेरीफाई करके बैठा है, हमें नहीं चाहिए भाई, हमारा तो आज उड़ रहा कल अकाउंट उड़ जाएगा। सम्राट भैया, लक्ष्य चौधरी ने बोला था ट्विटर से जितना भी पैसा आएगा उसको डोनेट करेंगे, तो स्क्रीनशॉट मांगो इनसे। कहां करोगे भाई? यूके राइटर फाउंडेशन में। अच्छा बताओ कहाँ करना है भाई, करके स्क्रीनशॉट डालूंगा, बताओ और बताओ। यूके 07 राइडर फाउंडेशन में। नहीं भाई हलवा, मुझे हलवा नहीं बटवाना किसी से भी, ऐसे ही बता दो, मैं ऐसे ही दे आऊंगा किसी को। ठीक है फिर आप है ना, एक 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 ना स्पेस लोग बना दो। लक्ष्य भाई वो क्यूआर कोड भेज रहा हूं मैं। लक्ष्य भाई एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे, सीरियस ब्रो। तुम्हें पता है यूके भाई ने चैलेंज करा है मुनावर को बॉक्सिंग मैच के लिए? हां वो मैं स्टोरी वगैरह देखी यूके भाई की। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब ये मैच जीतेगा कौन इन द एंड, और ये होना चाहिए कि नहीं? भाई प्लेस्टेशन पे होगा ये मैच, फिर तो मजाक में ले रहा भाई यूके भाई को। सम्राट भाई यूके भाई जीतेंगे अगर ये मैच हुआ जैसे चैरिटी मैच, तो इसमें गले लग सकते हैं या नहीं भाई? अब देखो एक बात बताऊं भाई, मैं यूके पे नहीं बोल रहा, लेकिन उससे पहले भी बहुत लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की कि बॉक्सिंग मैच कर ले, आजा भिड़ ले। एक बार एल्विश को भी किसी ने किया था ना कॉल आउट, फिर थगेश की भी हुई थी किसी से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, पहले तो तुम ऑर्गेनाइजर को देखो, इंडिया में मिलेंगे नहीं। मैं जो तुम्हें अता पता झांटका नहीं है, छह छह नौ नौ महीने प्रिपरेशन में लगते हैं, तुम्हें तो बेसिक ही नहीं पता, तो बैन जो तुम्हें तो साल भर लगेगा उसके लिए प्रिपेयर होने में। फिर भाई कितना कुछ देखा जाता है, अब मुंह उठाया बोल दिया कि बॉक्सिंग मैच करता है, हो जाएगा मतलब गली आ जाएगा सब। और सबसे बड़ी बात तो कैसे करोगे, क्या फोन से जैसे व्लॉग करते हैं फोन से ही करोगे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग? मतलब तीन लोग तीनों तरफ रिंग के खड़े हो जाएंगे फोन लेके। नहीं यार, लेकिन अब उन्होंने बोला यूके भाई ने तो थोड़ा सोच के बोला, लेकिन मजा आया भाई, बढ़िया। यहाँ लफड़ा चल रहा था एल्विश रैंडम का, यूके भाई बेमतलब में, वो सब ठीक है भाई जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन मुनावर आ जाओ भाई बॉक्सिंग कर लेते हैं। अरे मैंने लोग देखे हैं, मतलब वो मैं तुम्हें बता रहा था ना कि सारे हिमाचली समाज से और ये वो भाई, ऐसे पता नहीं कितनी वीडियो मेरे अकाउंट पे, मतलब कोई भी मुंह उठा गए। मैं इसीलिए तो बकचोदी कर रहा था सिर्फ पूरे मैटर में, मैंने कहा भाई मुझे इतना क्रिंज हो गया था ना, इतना क्रिंज भाई, कोई पूछ नहीं रहा, कोई तुम्हें बुला नहीं रहा, किसी का कोई लेना देना नहीं कि मेरा उसे सपोर्ट, मेरा इसे सपोर्ट, मेरा। और लोगों को ये लंड नहीं पता मैं जो लड़ाई क्यों हुई है। छे भाई, वीर भाई, सम्राट भाई और लक्ष्य, आप तीनों किंग पोलो को पहचानते होगे। तो कल ना, कल एक ट्वीट देखा, उसमें बोला कि एल्विश भाई मुझे दुख हुआ, पहले मैं खुश होता था आपको, मतलब ऐसा बोल के कि आपका मैं कंटेंट राइटर था, अब दुख हो रहा आपने ऐसा लड़ाई की। उसके आधे घंटे या एक घंटे बाद में वापस उसी किंग पोलो का ट्वीट आया कि एल्विश भाई तुमने कम मारा, अगर नेक्स्ट टर्न ने चिंता जलाने की बात की तो तुमने कम मारा और मारते उसे। भाई किंग पोलो भाई भी बढ़िया आदमी है भाई, एकदम वो क्या मतलब वो खतरनाक लग देते हैं भाई। कल कामरा के साथ बैठे थे वो स्पेस में, एक वीडियो लिखने के बाद वो डिप्रेशन में चला जाता भाई। हाँ ओशो सुनता भाई, हेलो जुगनू, बस हो गया भाई, फिर 6-7 महीने के लिए। वीडियो अच्छा बनाते। और आहान भाई कैसे हो यार? आहान नौशाद भाई ठीक हो भाई? अपना वादा भाई। ओशो कैसे रखते हैं? ओशो पता नहीं, देखा तो नहीं है, सुना है सिर्फ। डीपी तो किसकी लगाई है तुमने? ओशो जी की। तो पर तूने, तुम्हें क्या लगा वो मुस्लिम है? कौन मतलब तुमने लगाई किस कॉन्टेक्स्ट में डीपी?
ओशो जी को मैं सुनता हूँ, देख वही तो पूछ रहा था मैं, आप कह रहे मुझे पता नहीं कैसे, आप बोले कैसे, मैं पर्सनली नहीं मिला हूँ भाई से। अरे भाई वो हालचाल के बारे में थोड़ी पूछ रहे कि वो कैसे है तबीयत में, वो हालचाल भी पूछ रहे थे उनके विचार कैसे है, आपको विचार कैसे लगते विचार सम्राट भैया थोड़े से मुझे एक्सप्लेन करो, इनकी और हमारी लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग होती है। जी जी बोलिए भाई। ओशो तो सभी धर्मों गाली बकता था भाई, गाली तो नहीं दिया भाई, भाई गाली देना ही तो, वो तो संतों को भी खराब बताता है। मतलब अगर वो किसी चीज को बार बार धिक्कार दे रहा है तो भाई वो गाली देना ही बराबर ही है, बस उसके टाइम पे माधव चौथ बहन चौथ तो बोलते नहीं नहीं भाई देखिए आपके सोचने का तरीका अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग था पहले, समझे नहीं तो आप... मतलब एक एक तो देखो एक प्रिंसिपल तो होता ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें उनका कौन सा विचार अच्छा लगा, एक प्रिंसिपल होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको क्या प्रिंसिपल अच्छा लगा उनका जिसने तुम्हें इतना, मैं क्योंकि सुनता मैं भी हूँ भाई, ये मत सोचो मैं ओशो के अगेंस्ट, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। ऐसे रहो जैसे अकेले हो भाई, उन्होंने तो नॉनवेज को भी अच्छा जस्टिफाइड किया था, खैर ठीक है उस पर बाद में। नहीं भाई पहली बात तो उन्होंने नॉनवेज को अच्छा जस्टिफाइड नहीं किया था, उन्होंने खुद बोला था कि जो आदमी नॉनवेज खाता है वो कभी भी परमात्मा की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि कोई दूसरे जानवरों की आत्मा छीनकर उस परमात्मा के पास। तो आप एग्री करते हो भाई इस बात से? जरूर करता हूँ भाई, अगर ऐसे ही सारे हमारे मुस्लिम भाई सोचने लगे तो मैं तो ओशा का सपोर्टर बन जाऊंगा पता। भाई देखिए ये जो है ना ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम लोग तो ओशो ही मुस्लिम बन जाएगा भाई, ये मुस्लिम भाई बोला भाई मैंने, आपके भाई मतलब नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ सारे अगर ये सोचने लगे तो ओशो कोई मुस्लिम बना, ऐसा नहीं है, ये गलत कंटेस्ट में आपने बोल दिया कि मुस्लिम भाई सारे मुस्लिम भाई, कोई कोई होते हैं भाई, हर धर्म में कोई कोई लोग मिल ही जाएंगे जो उल्टा सोचते हैं भाई। आप पढ़े मेरा, मेरे धर्म में तो मेरा चाचा ही उल्टा सीधा निकल गया यार जी, कुछ बोल रहे थे भाई। आन भाई पढ़े होंगे भाई, क्या बोले भाई आप पढ़े लिखे होंगे ना? जी भाई MBBS कर रहा हूँ। MBBS भाई मैं चाहता हूँ सभी मुस्लिम भाइयों का MBBS कराई जाए भाई, कितना बढ़िया हो जाएगा भाई देश अपना भाई, कोई लड़ाई नहीं बजेगी भाई, सिर्फ उस सिर्फ राज्य से धंधा ही बंद हो जाएगा भाई। MBBS में भी मैं गाली किसको दूंगा भाई? अच्छा लक्ष्य भाई मुस्लिम भाई क्यों, हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं? अरे भाई हिंदू तो भाई तुम्हें पता ही है ना, हिंदू तो सम्राट भाई, इतने डॉक्टर पढ़े लिखे भाई कहेंगे गंवारी भाई। एक बात बताओ कहाँ रहते हो आप आहान भाई? जी रैंडम सेना के मुजफ्फरपुर जिले में रहता हूँ भाई मैं, पता है भाई। अब आप बताओ मुजफ्फरपुर में आपने अपने जीवन, चलो आपकी तो बात अलग है आप करवा ली होगी, पर अगर आप ऐसा कैलकुलेशन करने जाओगे ना तो 1% मुसलमान होंगे जो बेचारे डॉक्टर होंगे। हाँ समझ रहे जी जी, पढ़ाई लिखाई की संख्या थोड़ी कम है, उसके बाद जो पढ़ते नहीं भाई, लिखा भाई तुम म्यूट कर लो यार आवाज रिपीट हो रही है जी भाई। तो देखो क्या रहता है आन भाई, जब पढ़ते नहीं है ना लोग तो फिर वो विचारधारा उनकी गलत हो जाती है, फिर वो कुछ और पढ़ लेते हैं। हाँ, फिर तो, हाँ, तो ये आप एक कॉन्टेक्स्ट में लेके नहीं बोल सकते कि मुस्लिम में, मैंने ऐसा नहीं देखा, मैंने हर धर्म में देखे हिंदू हो मुस्लिम हो। हिंदुओं में आपने किसको देखा है मतलब, एक आध दो एग्जाम्पल गिनाइए। नहीं अब मैं एग्जांपल, बहुत सारे दोस्त है मेरे जिनकी मतलब विचारधारा अलग है, बहुत ज्यादा ही अलग है। नहीं मतलब एक ऐसे पटल पे जिसको सब जानते हो, जैसे मैं मुस्लिमों के भी गिना सकता हूँ कि ये खराब थे, अच्छे भी गिना सकता हूँ, एक दो लोग हैं अच्छे से, जाकिर खान और दूसरे वो क्या नाम है अब्दुल कलाम आजाद, दो तो मैं गिना सकता हूँ, मतलब दो ही हैं तो वही गिना सकता हूँ, बाकी आप मुझे थोड़ा बताइए ऐसे क्यों खराब भाई। एक और अच्छा आदमी है नया, रोनाल्डो। हाँ रोनाल्डो भी अच्छा है, मुसलमान है भाई। आहान भाई भी तो अच्छे मुसलमान है भाई, कितनी अच्छी बात कर रहे थे ओशो का वो लगा। और अगर हिंदू डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर डॉक्टर जयेश जैसे बंदे ट्विटर पे पनीर कैसे, वो तो वो ने वो कर। अरे छोड़ो भाई ये हिंदू मुस्लिम छोड़ो भाई, अब मुझे किसी दिन ना हिंदू क्रिश्चियन करना है भाई। मैं चाह रहा हूँ भाई राजपाल राजपाल यादव को पकड़ के लाओ भाई स्पेस में। अच्छा भाई, भाई, भाई सुनो तो राम मंदिर उद्घाटन में कैसा बग रहा था भाई वो। हाँ वो यशु यशु मैं भी नाच रहा था भाई, वो सही है भाई। प्रो तुलसीदास खान प्रो सेकुलर, वीरदास भी तो है भाई। कोई बात यार मुझे एकदम प्रॉपर, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मुझे एकदम प्रॉपर सेकुलर आदमी लगा है विक्रांत मैसी।
हाँ तुम गलत हो भाई। कैसे? प्रॉपर सेकुलर की जगह प्रॉपर सेकुलर वर्ड को रिप्लेस करके एक दूसरा वर्ड भाई। नहीं नहीं, एक दिन ना उसने किसी को उसको भी गाली वाली बक रखी थी कि कोई पहले तो उसने किसी हिंदू को कुछ लिखा था, इसको ही लिखा था शायद जिसकी ये शादी हुई थी कि राधेमा प्योर लाइक राधेमा है ना। फिर उसने किसी मुस्लिम को भी गाली बकी हुई थी किसी बात पे, उसने कुछ कमेंट भाई एक सेकंड, मेरा एक सवाल है, आप में से कोई आदमी दिल्ली का है जो स्पीकर में? प्रॉपर दिल्ली का ही कोई भी नहीं है भाई? उसके घर में चार पांच धर्म के लोग हैं भाई। नहीं नहीं, मेरा एक सवाल है लक्ष्य भाई, मैंने एक रील गलती से लाइक कर दी थी, ठीक है? वो एक गुरुजी है भाई, शुक्राना गुरुजी है ना, उनके बारे में मुझे जानना है। अरे जय गुरुजी, जय गुरुजी। हाँ जय गुरुजी। अरे हाँ, वो जो यार मुझे भी नहीं पता यार, बट उनकी बहुत मेरे फीड में रील आती हैं और उनको ज्यादातर अमीर लोग अर्पित वाला मेरे दिमाग में आने लगा यार, उनको देख के बार बार। वो अर्पित वाला का नहीं है कोई सामने भाई, रहना तो भाई, बहुत गंदा ही कल्ट है भाई उनका। नहीं कल्ट है मैं मान रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया उनका क्या सिस्टम है। कोई कह रहा शहद की बारिश हो जाती है, कोई कह रहा कि वो भाई मैं भी नहीं पता है। देखो जितने लोग अपने बायो में जय गुरुजी लिखे रखते हैं ना, उन्हीं के ही फॉलोअर हैं, और मोस्टली तुम्हें अमीरी लोग दिखेंगे जो बढ़िया पैसे वाले लोग हैं। मतलब ये मैंने ये पैटर्न, उनके कोई विचार नहीं मिलते, मतलब जैसे ओशो के विचार मिल जाएंगे तुम्हें, श्री प्रेमानंद जी के विचार मिल जाएंगे, सबके विचार मिल जाएंगे जो भी संत रहे हो। हां मतलब मैंने रिटर्न में भी नहीं देखा कुछ उनका ऐसे बोला हुआ। हां वही उनका उनका जो कल्ट बेस है वो पता है क्या बोलता है लक्ष्य? कि वो शिव जी ही हैं, अवतार लेके आए, इतना कल्ट है कि वो शिव जी के ही अवतार हैं। अब सोचो कितना कल्ट है। अब हालांकि इसके लिए मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ FIR हो जाएगी भैया, लेकिन बहुत गंदा कल्ट फेस है आप उनके उसमें। और उनमें एक चीज और चलती है, अगर शायद किसी को पता नहीं हो, एक होता है सत्संग। सत्संग का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? अरे हाँ, राम रहीम सिंह करते थे सत्संग। हाँ तो इनके में सत्संग ये होती है जिसमें एक आदमी अपनी स्टोरी बताएगा जो गुरुजी ने अच्छा कर दिया उसके साथ, और उसे 20-20 हजार 50-50 हजार लोग सुनते हैं। मतलब भब्बियों में मतलब कुछ लोगों में सबसे ज्यादा फैन उनके मतलब हैं उनमें, सिख समाज में, ठीक है? और वो मतलब पूरा सत्संग सुनते हैं। उस सत्संग में ये रहता है कि नहीं, सिख समाज में नहीं है, गलत बोल रहे हो, मे बी मोस्टली बनियों में और पंजाबियों में है। इंसिडेंट इनका सत्संग हुआ था साउथ दिल्ली साइड, तो वहाँ पे 5-6 औरतें प्रेगनेंट भी हुई थी कृपा से, ऐसा कुछ सुनने में आया था। ठीक है भाई, बहुत बहुत शक्ति, मतलब मैं मान गया भाई, बड़ी शक्ति होगी भाई। ठीक है भाई, मतलब छोड़ो भाई, मैं बाबा भक्तों से भाई दूरी रहता हूँ भाई। वही 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 मैं आहान भाई से लड़ सकता हूँ भाई, जिनका कोई चेहरा है भाई, मैं बिना चेहरे के लोगों से नहीं लड़ सकता भाई। नहीं भाई ठीक है, जय गुरु जी भाई, शुक्राना गुरु जी। और मैं भी आप बोलोगे तो संगत जी सुनाऊंगा जी, ठीक है जी, प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, ठीक है? पता नहीं भाई किसके फैन पे कितना पैसा खरीद के गोली मार दे। अच्छा तो ठीक है, टॉपिक बदलते हैं। फिर भी कोई दिल्ली का हो तो प्लीज एक बार ऊपर आके हमें किस्सा जरूर सुनाइएगा। सम्राट भाई, पॉलिटिक्स से है टॉपिक मेरा ये। जी जी पूछिए। ये जो कांग्रेस के जो MLAs या ex-MLAs जो एक्सपोज हो रहे हैं और ये BJP में आ रहे हैं, तो BJP की इससे इमेज पे फर्क पड़ेगा या मतलब लोड ही नहीं ले रहे? क्योंकि BJP एक गोलवलकर साहब जो भाजपा के संस्थापक के रूप में रहे, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि शत्रु को खत्म ना कर सको तो उसको दोस्त बना लो। तो अगर ये कांग्रेसी BJP में आके खत्म हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनको कोई वैसे दायित्व दिए नहीं जाते हैं, ज्योतिराज सिंधिया को छोड़ के आज तक मुझे कोई कांग्रेसी बड़े दायित्व पर दिखा नहीं भाजपा में आने के। हेमंत बिस्वा जीतने की स्थिति में नहीं थी, तो उधर ऐसी, अब जैसे मान लो तमिलनाडु में कोई DMK का लीडर आ जाए तो फिर वो एक अपवाद हो जाएगा ना। लेकिन इसके अलावा जैसे ये हर दूसरे दिन एक नया बंदा जुड़ जा रहा है, इनकी कोई ऐसी, मतलब पर्सनल पॉलिटिक्स में मैंने कोई ऐसी वो नहीं देखी कि इनका बहुत हस्तक्षेप हो।
जुड़ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन वही बात है कि यार थोड़ा किसी से तो लड़ने के लिए छोड़ो, सारे एक हो जाएंगे और बीजेपी 500 प्लस हो जाएगी तो फिर अपन किसको करी आएंगे भाई, फिर तो वो मोनोपोली हो जाएगी, उन्हें जो करना है वो करेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, थोड़ा तो मतलब रहना चाहिए विपक्ष। और देखो एक एमएलए कांग्रेस के जो उसके यहाँ पे काम करने वाले से मेरा मतलब पहचान का है वो, तो उससे खबर आई बोले कि केपी इनको ऑफर करती है करोड़ों रुपए, 50 नहीं 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 सबको नहीं करती, सबको नहीं करती मतलब करती है, नहीं 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 पॉसिबल ही नहीं है, सबको नहीं करती, आधे से ज्यादा जबरन आ जाते होंगे। नहीं ना मतलब इस एरिया में जो इनकी जो विधानसभा है जैसे, तो वहाँ पे उनकी जाति के मैक्सिमम मतलब मेजोरिटी में वोट्स हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 100 करोड़ रुपए में, विश्वास तो नहीं किया 100 करोड़ दे भी सकते हैं क्या, गरीब समझ रहे हो बीजेपी को भाई, 100-150 हजार अरे एक एमएलए के लिए इतने पैसे, वो मैंने मतलब वो नहीं बात ये नहीं हुई। अरे मेरे को लगा अरविंद साथी रियल है यार, तुम्हें जबरन ले लिया मैंने तुम्हें, कैसा लगता है अरविंद मेरा साथी को लक्ष्य भाई? कभी कभी फनी लगता है, कभी कभी मेरे को ओवर लगता है, बट हाँ मैं फॉलो नहीं करता, मेरे पास बस रील ही आती है तो फनी आती है ऐसी, लोग वो फिर फनी रील भेजते हैं। पुनीत कैसा लगता है? चूतिया। थैंक यू भाई, पर तुमने कॉलेब क्यों करा? बेकार है अपने अपने फायदे को तो तोड़ दिया भाई। अरे भाई जोगिंदर, भाई मुझे जोगिंदर सदा से ही थोड़ा रिटार्डेड लगता था और अब मुझे और ज्यादा लगने लगा, लेकिन वही है कि एक बार मैं किसी से फॉलो कर लूं मैं फिर अनफॉलो मुश्किल ही करता हूं यार। नहीं मुझे अभी बुरा लग रहा होगा कि उसको नहीं बुलाया, 36 बिरादरी की जो सभा हुई अभी पंचायत, उसमें योगेंद्र को नहीं बुलाया बेचारे को। भाई तुम्हें पता है इंटरनेट पे जब से ये थोड़ा ज्यादा चलने लगा ना कि आप बिरादरी का नाम ले लो, आप अपने पीछे पूरा अपना खाप जोड़ दो, तो इससे बात में वजन आ जाता है, इससे ना लोगों ने बहन जो सरनेम बदलने भी शुरू कर दिए, मतलब अगर तुम सही में कास्ट सर्टिफिकेट निकलवाने चलो तो 50% लोगों के नकली निकलेंगे, मतलब नाम नकली निकलेंगे जो उन्होंने सोशल मीडिया पर रखे हुए हैं। अब जैसे मैं खान हूं भाई, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को लगता है हिंदू ठीक है, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा भाई, मैं तो पक्का बिलीव था शुरू से ही। अब पता है क्या होगा, इतनी ऑडियो कट करके कल सुबह टैग करना शुरू कर देंगे, एक तो मुझे इतनी ठीक है भाई, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना। अरे एक वो इंटरनेट के मतलब यूजर ने कहा है कि सम्राट भाई को वोट नहीं मिलेंगे, तो ठीक है ना। हाँ भाई तुम, भाई तुम तो नॉमिनेशन से पहले हार गए, पहले नेता हो, लोगों ने तो पहले ऑनलाइन हार गए तुम तो बोला उनने बोला कि इनको तो एक भी वोट, साला वो ट्वीट कर रहा है झांसी से और कह रहा है वोट नहीं मिलेगा विदिशा में। ऐसे ऐसे तो लोग हैं इंटरनेट पे भाई। नहीं नहीं मेरे को पता है सम्राट, मेरे स्टोरी व्यू कितने चल रहे थे इस लफड़े में? हाँ 1.2 मिलियन भाई, मेरा 1 लाख गया, मेरे फॉलोअर ही इतने, मैंने कल एक को बर्थडे विश कर दिया उस पे 1 लाख व्यू आ गए, मेरी गांड फट गई भाई, मैंने मेरी वीडियो पे नहीं आएंगे यार भाई, मैंने बर्थडे विश पे 1 लाख आ रहे हैं, कल तो रिकॉर्ड बना देता लाइव आ जाता ना, मैं एक स्टोरी डाल के भाई कॉन्ट्रोवर्सी पे डिस्कस करना है और कुछ नहीं करना था, एलविश को कॉल करके थोड़ा सा कॉल रिकॉर्ड कर लेता और वो सुना देता स्टार्टिंग में। अरे भाई पता है दिक्कत क्या है, इन सब लोग भी तो वो आते हैं बिल्कुल भाई गांव देहात के, बस जो जीने साथ। हाँ तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुमने ये कैसे बोल दिया, तुमने शब्द कंट्रोल करे। एक चीज नोटिस किया आपने, जैसे कि कल अगर वो आए थे लाइव अपने रजत भाई, तो रजत दलाल, तो उन्होंने मैक्सटन को भी लाइव में लिया, मैक्सटन का वीडियो वो ऑफ कर दिया, और आज भी अगर लाइव आए तो एलवी बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, वो तो आज तीनों जब साथ में है तो तीनों के अकाउंट से लाइव आने का क्या मतलब था मुझे? हाँ वही तो, आज एलवी और वो पिक गई ना 5.5 लाख की, अब और भाई के फॉलोअर बढ़ गए 2.5-3 लाख, कई बार बिना लोग फॉलोअर के लिए कर लेते हैं, वो तो सबको दिख ही रहा है भाई, 1,20,000 फॉलोअर्स बढ़े हैं। अरे दोनों अकाउंट पे ज्यादा बढ़े, 2 लाख के आसपास बढ़े। मैक्सटन तो 1 मिलियन हिट कर गया भाई, मैक्सटन भाई को केक दो यार कोई, भाई मैक्सटन पे तो केक लेके जाना चाहिए थे इन लोग। नहीं सच में भाई, लेकिन मैक्सटन का बढ़िया लगा मुझे, नोट अप पॉडकास्ट में नहीं, केक वाले मैटर में तो मैं 1% से डिसअपॉइंटेड हूं सम्राट भाई, बताऊं एलविश नहीं हूं कटारिया से हूं, वो पीछे वाली गाड़ी में केक तो ले ही जा सकता था एटलीस्ट। कटारिया तो बेचारा हर मैटर में अपने आप आगे आ जाता है भाई, सोच रहा होगा किस टाइम पे मैंने दोस्ती कर ली बेचारा। और जब वो, जब मैंने देखा वो वीडियो, तुम लोग ध्यान से देखोगे, जब एलविश मार रहा था उसको मैक्सटन को, तो कटारिया ऐसे देख रहा था जैसे जैसे भंडारे में खड़ा हो, लाइन का नंबर है। अरे ना
कंफ्यूज लग रहा था बहुत। वो रैंडम भाई की स्पेस में बोले वो रैंडम भाई की वाले दोनों जानने वाले हो ना भाई, तो आदमी ऐसे ही खड़े होके सोचता भाई क्या। हां ये सही कह रहे हो। बिग बॉस के टाइम पे कटारिया भाई ऐसे थे जो एल्विस को सपोर्ट कर रहे थे, और अगले ही मतलब पल में वो बोलते ये कटारा कटारिया चूतिया मेरे को बोल रहा है कि कितने पैसे चाहिए बोल। एक फैक्ट बोला और उसी फैक्ट को अगली लाइन में डिनाई कर दिया। साथ में आवाज ही नहीं आई वो भाई को, शायद आवाज नहीं आ रही मेरी, कोई याद नहीं भाई मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ तुम्हारी आ रही केशु, तुम्हारी भी आ रही ऋतविक, पहले तुम बोल दो ऋतविक। हाँ सम्राट भाई मैं ये पूछ रहा था कि इस कंट्रोवर्सी वजह से जो इतने सारे लोग ये सेकुलर बन गए एकदम से, इनको वापस कट्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सेकुलर बन गया मतलब पूरा? आप भाई देखो क्लियर बोलो भाई, ये मैं ये जो एल्विस भाई और इनकी कंट्रोवर्सी हुई रैंडम से है ना, कि इस चक्कर में काफी सारी ऐसी ऑडियंस थी जो एक उसकी बिलीव करती थी कि हाँ सनातन ही एक वो है सर्वोपरि है, इस चीज में बिलीव करती थी, और इसके खिलाफ जो बोलेगा वो हमारे लिए दुश्मन के बराबर है। हेलो हाँ लक्ष्य भाई आ रही है। एक बात बताओ, अगर कोई ट्विटर पे आगे सनातनी बना है, अगर कोई ट्विटर पे किसी को फॉलो करके सनातनी बना है, तो भाई वो तो पहले से ही नकली आदमी है भाई। मेरे को ना हंसी आती है कई बार, ये जो आधे तो बायो में लिखे रखते हैं ना प्राउड सनातनी और कट्टर हिंदू सर्टिफिकेट बटते हैं ऐसे, तुम कैसे किसी को भाई मतलब कैसे ही तुम किसी को ऐसे सर्टिफाइड कर सकते हो कि भाई ये सनातनी है ये नहीं है, या मैं सनातनी हूँ और मैंने आज चार पोस्ट देख ली तो मेरा सनातन धर्म गायब होगा? मतलब पहले तो इतनी डीप रूटेड चीज है कि ये किसी एक लफड़े से, एक लड़ाई से, एक सोशल मीडिया, एक ट्विटर से, या किसी एक यूट्यूबर के ऊपर ये ना तो आ सकता ना ये जा सकता। मतलब मैं तो नहीं मानता कि कोई मुझे एक यूट्यूबर सनातनी बना सकता और किसी यूट्यूबर की कॉन्ट्रोवर्सी मुझे वापस। लक्ष्य भाई यूट्यूबर तो छोड़ो, बट पॉइंट ये है कि जो उसको फॉलो करता वो भी एकदम से वो हो जाते हैं ना, कि अब जो उसके फॉलोअर वो भी सनातनी नहीं बचे। जैसे मुझे अगर फुकरा इंसान पसंद है, तो जब ये सब हो रहा था जब एक महीने पहले, तो एकदम से मैं भी सनातनी, मैं अलग बात है मैं जाट समाज से हूँ तो उम्र हूँ, पर एकदम से मैं भी वो हो गया था कि ये मेरा नाम भी नकली है, मैं भी सनातनी हूँ क्योंकि मैं फुकरा को सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे तो वो छोड़ो यूट्यूबर छोड़ो, उसके सपोर्टर भी एकदम से उनका भी धर्म बदल जाता है एक सर्टिफिकेट में। तो भाई अगर रोज ही उनका बदल रहा है तो भाई दिक्कत है ना, उन्हें बनाना और हटाना दोनों ही बेकार है। मैं तो फिर मानता नहीं कि भाई उन लोगों को तुम इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके से कर सकते हो। वे तो भाई आज तुम्हारे बारे में वो वाली बात है ना कि सुनी सुनाई बात पे भरोसा करने वाले जैसे लोग होते हैं, तो उन्हें फिर कितना भी एक्सप्लेन कर लो उन्हें नहीं समझ आ सकती बात, तो वाली चीज यार। मैं मतलब ये तो यार एक बहुत क्लियर बात है लक्ष्य भाई, बात